कुछ नहीं, मुझे सुबह एक सपना आया था, वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, सुबह आने वाले सपने सच होते हैं, क्या था बताओ? एक जंगल था और उसका किंग था एक शेर, उसकी पीकॉक जैसी एक प्रेमिका और उसका एक भाई चीता और उसके बेस्ट फ्रेंड्स एक चूहा और एक हाथी। इन पावरफुल जानवरों ने मिलकर एक बार हंटिंग स्टार्ट किया था, पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फाइनेंस करने के लिए दिल्ली से एक गीदड़ आ गया, मुफ्त का खाने वाला वो ब्रोकर गीदड़ पूरे प्रोजेक्ट को अकेला ही निकल जाना चाहता था। इनोसेंट एलिफेंट पर पहले उसने एलिगेशंस लगवाए, बिना दिमाग के शेर ने गीदड़ पर पूरी तरह से भरोसा करके उस हाथी को मार डाला। लेकिन वो गीदड़ वहां तक नहीं रुका, बेचारे चूहे की नजर पीकॉक पर है, कहानी बनाकर उस पर भरोसा करवा दिया। शेर अपना होश खो बैठा और इसका गीदड़ ने फायदा उठाकर चूहे को जहर देकर मार डाला। भी वो साला सेटिस्फाई नहीं हुआ, आखिर में चीते पर भी इल्जाम लगा दिया। बेवकूफ शेर को पीछे क्या हो रहा है पता भी नहीं चला और उसने अपने भाई चीता मार डाला। इस उम्र में यहाँ से भाग तो नहीं पाऊंगा, जान की भीख मांगना ही ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन आंसर रहो, इस सपने में शेर कौन था? तुम। गुड। और हाथी? मिनिस्टर नागराज। वेरी गुड। तो फिर चूहा? एसपी अर्जुन। एक्सीलेंट। पीकॉक? सुशीला। चीता? दुर्गा। अमेजिंग। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, गीदड़ कौन था? गीदड़ के बारे में जानकर क्या करोगे, उसके पीछे डायनासोर भी है। कोई डायनासोर नहीं है, वो तो स्पीलबर्ग की क्रिएशन है और ये उस गीदड़ की मैनिपुलेशन। आप इससे बात क्यों कर रहे भाई, मार डालते हैं इसे। नहीं, ऐसे नहीं, इसकी मौत इतिहास बन जानी चाहिए। इसको दी हर एक चोट के पीछे कॉन्सेप्ट होगा। पहली चोट पर ही चेहरा बदल जाना चाहिए, दूसरी चोट पर गर्दन टूटे पर ये मरे ना, तीसरी चोट तो ऐसी जगह पर दूंगा कि लोग कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं जिंदा क्यों हूँ सोच कर तड़पना चाहिए इसको। मुझे मार डालो कह के भीख मांगे यहाँ से, और तब अपना पंच बनाकर ऐसी चोट मारनी है कि इसके पंच तत्व शरीर से निकलकर हवा में जाए, तब हम उसे देखकर खुश हो जाएं। मौत को तरसेगा तू, हर पल यूं तड़पेगा तू, फिर भी नहीं मर पाएगा तू। भैया अंग्रेजी फिल्मों की तरह से मारते हैं। क्यों भाई, हमारे राम गोपाल वर्मा की फिल्में इंग्लिश फिल्मों से कम है क्या? इसके हाथों को जूस मशीन में डाल देते हैं, या तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं, या फिर सीने पर ड्रिलिंग मशीन चला देते हैं। hey, इंग्लिश फिल्म के डीवीडी लाओ, रेफरेंस के लिए देखते हैं, उन्हें समझते हैं, फाइनली इसके मर्डर वीडियो को फाइडी से शूट करके यूट्यूब पे डालते हैं। hey, गीदड़ भयानक है ना, जब तक वो डीवीडीज लाता है तब तक कुछ टाइम पास करते हैं। क्या करना है सर? तूने मुझे खूब नचाया, तू नाचेगा और मैं देखूंगा, और अगर तू रुका तो तुझे उसी वक्त ठोक दूंगा। म्यूजिक पे तेरे कदम थिरकने चाहिए और अगर बंद हो गए तो तुझे रिजल्ट पता है। ओके ओके। ओए, उठ मैं, उठ जा। ए, ऐसे कैसे मर सकता है तू? ए, उठ जा। तुझे कैसे मारने का सोचा था मैंने। ए, तू ऐसे नहीं मर सकता, हमें इतना टॉर्चर करके तो खुद इतने आसानी से कैसे मर सकता है? उठ बे, उठ। ओए, जोकर है वो। तूने क्या सोचा, इस गधे में इतनी अकल है कि ये प्लान बना सके? जिस कलेक्टर भरत ने आत्महत्या की थी वो मेरा भाई था, उसके गम में मेरे पिता ने रात दिन आंसू बहाए। तेरे पार्टनर्स को तेरे हाथों मरवा कर वही एविडेंस बनाकर तेरे नाम का शूटेड साइट ऑर्डर लेकर आया हूँ मैं। ऑर्डर ना भी मिलता तो भी मैं तुझे मार देता, लेकिन लीगली मारने का मजा ही अलग है। तेरा किस्सा खल्लास। सब लोग सुनो, इसको मेरी आंखों के सामने मार के यहीं जला दो। Yeah.
मत मारो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा।